समाजवादी व्यापार सभा का जिला स्तरीय सम्मेलन एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 111वीं जयंती समारोह साहू चुन्नीलाल की धर्मशाला सीता रोड पर आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनोज पोरवाल, मुख्य वक्ता समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव पवन कुमार गुप्ता, विशिष्ट अतिथि समाजवादी प्रबुद्ध सभा के प्रदेश सचिव बनवारी लाल पाठक, विशेष अतिथि समाजवादी जेल के जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष साहू राजेश अग्रवाल व संचालन नगर महासचिव दाताराम भारती ने किया। समाजवादी व्यापार सभा के आह्वान पर हमने पिछले दिनों प्रत्येक जिला स्तर पर जीएसटी के विरुद्ध जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया। हमारे नेता माननीय संजय गर्ग जी सदन में व्यापारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में विधानसभा में लॉकडाउन के समय का व्यापारियों के बिजली का बिल माफ किए जाने एवं व्यापारियों को पेंशन दिए जाने की आवाज सदन में बुलंद की। समाजवादी व्यापार सभा व्यापारियों की हक और अधिकार के लिए सदन से लेकर सड़क तक लड़ने को तैयार हैं और लड़ रही है। मैं तो व्यापारियों से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अपने हक और अधिकारों को लेने के लिए हमारे साथ आएं और आने वाले वर्ष 2022 में साइकिल की सवारी करें। साइकिल की सवारी करने से हमारा तन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा और भविष्य भी स्वस्थ रहेगा। लोहिया जी की जयंती के पावन अवसर पर संकल्प और शपथ लें कि हम अपने इस नारे को बुलंद करके अपने व्यापार को सुरक्षित करते हुए अपना व अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित करेंगे। मैं अपनी बात को इन पंक्तियों के भी माध्यम से व्यापारी बंधुओं से कहना चाहूँगा कि जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में खुद अपनी मंजिल, झुकनी किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ऐसे राजनेता थे जो हमेशा शुद्ध राजनीतिक आचरण की बात करते थे। उनका कहना था कि हिंदुस्तान की राजनीति में तब सफाई और भलाई आएगी जब किसी पार्टी के खराब काम की निंदा उसी पार्टी के लोग करें। मेरा मानना है कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश में आज सत्ताधारी पार्टी के लोगों को सामाजिक, जनहित और राष्ट्रहित में अपने आत्मविश्वास और आत्मबल को मजबूत करते हुए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को बुलंद करते हुए सरकार की गलत नीतियों की आलोचना और निंदा करें। समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जो स्वयं एक व्यापारी समाज से थे, उनका मूल विचार ये भी था। उन्होंने देश की संसद में कहा था कि किसी भी देश या समाज की रीढ़ की हड्डी व्यापारी ही होता है, पूरी सामाजिक संरचना का सूत्रधार व्यापारी ही होता है। जिस देश में राजनीतिक रूप से व्यापारी को व्यापार करने की स्वतंत्रता होती है वही देश तरक्की करता है। पूरे समाज में केवल व्यापारी ही एक ऐसा वर्ग है जो समाज के हर वर्ग से जुड़ा रहता है और व्यापारी के ही दिए हुए टैक्स से देश में विकास कार्य होते हैं। अगर सरकारें व्यापारी को ईमानदारी से व्यापार करने की छूट देती रहें और उसके दिए हुए टैक्स का कुछ हिस्सा उनकी मूलभूत सुविधाओं पर खर्च कर दिया जाए तो पूरे देश में समाज का हर वर्ग विकास से अछूता नहीं रहेगा और सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता अप्रत्याशित रूप से देखने को मिलेगी। मेरा मानना है समृद्ध व्यापार से ही देश को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। जब माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिला तो उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने चुंगी कर और तीन मटे साथ जैसे काले कानून को समाप्त किया और व्यापारियों को दुर्घटना बीमा भी देने का काम किया। परंतु आज की सरकारें देश के व्यापारी को बर्बाद करने पर तुली हैं, जिन्होंने पहले नोटबंदी के नाम पर और बाद में जीएसटी के नाम पर उसके बाद में लॉकडाउन के नाम पर व्यापारियों को तबाह बर्बाद कर दिया। भारत की सरकार ने अगर समय रहते आवश्यक कदम उठाए होते तो देश में लॉकडाउन की जरूरत नहीं होती, ना ही हमारे देश में कोरोना की महामारी आती। हम सभी जानते हैं कि देश में कोरोना महामारी विदेशों से आई। भारत की सरकार ने केवल 34 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों पर नियंत्रण किया होता, वहां से विदेशी नागरिकों का आगमन प्रतिबंधित कर दिया जाता और भारतीय नागरिकों को एयरपोर्ट के आसपास ही क्वारंटाइन किया होता तो देश में ना तो कोरोना की महामारी फैलती न लॉकडाउन की आवश्यकता होती। लेकिन भारत की सरकार को तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत देश के व्यापारी को बर्बाद करना था, जानबूझकर लॉकडाउन लाए जिससे मझला व्यापारी, ठेले खोमचे वाले, रेड़ी पटरी वाले व्यापारी पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुके हैं और देश के व्यापारियों का हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। और ये सारा पैसा अमेजन
और फ्लिपकार्ट जैसी विदेशी कंपनियों के खाते में पहुंच गया। समाजवादी व्यापार सभा के आह्वान पर हम पिछले दिनों प्रत्येक जिला स्तर पर जीएसटी के विरुद्ध जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया। हमारे नेता माननीय संजय गर्ग जी सदन में व्यापारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में विधानसभा में लॉकडाउन के समय का बिजली के व्यापारियों का बिल एवं व्यापारियों को पेंशन दिए जाने की आवाज़ संसद में सदन में बुलंद की थी। समाजवादी व्यापार सभा व्यापारियों की हक और अधिकार के लिए सदन से लेकर सदन तक लड़ने के लिए तैयार है और लड़ रही है। मैं तो व्यापारियों से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अपने हक और अधिकारों को लेने के लिए हमारे साथ आएं और आने वाले वर्ष 2022 में साइकिल की सवारी करें। साइकिल की सवारी करने से हमारा तन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा और भविष्य भी स्वस्थ होगा। और मैं अपनी बात को इन पंक्तियों के माध्यम से समाप्त करना चाहूँगा। नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। दिशा को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद।